वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप यह टीचिंग एप्टीट्यूड के 200 हंड्रेड की सीरीज का पार्ट थ्री है इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 आपकी डिस्प्ले पर है क्वेश्चन है द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज इसमें हमें बताना है कि एजुकेशन का ट्रू ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑप्शन ए मेकिंग स्टूडेंट्स एबल सो दैट दे अर्न और लिविंग कि वो अपना खाना अपनी जीवन को बिता सकें एक अच्छा जीवन जी सकें ये एक स्टूडेंट को देने का ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का ऑप्शन बी है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर जॉब्स यानी कि जॉब्स के लिए उन्हें तैयार करना ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स की सिर्फ मदद करना ऑप्शन डी है एक नॉलेज फैसिलिटेटिंग द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स तो ये है या तो आप इन चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए पोज कीजिए वीडियो को और ध्यान से देखिए और ऑप्शन को चुनिए इस क्वेश्चन नंबर थर्टी वन का आंसर है ऑप्शन डी एक्वायर्ड नॉलेज यानी कि उसको नॉलेज देना स्टूडेंट को और उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना स्टूडेंट का ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इन ऑर्डर टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइटल अब जैसे एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट तो यहाँ पर बताना है एजुकेशन को बढ़ाने के लिए उसका स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए सबसे ऑब्जेक्टिव सब इस ऑब्जेक्टिव को बढ़ाने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट क्या चीज़ होगी ऑप्शन ए हाई सैलरीज ऑफ टीचर यानी टीचर्स की सैलरीज जो है वो हाई कर दो एजुकेशन अच्छी हो जाएगी तो ये तो लगता ही नहीं है तो ऑप्शन ए नहीं होगा सैलरी बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं सैलरी बढ़ाने से टीचर्स में लालच भी बढ़ सकता है तो ये एक नॉट एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चूज़ टू इंक्रीज़ द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड सेकेंड कॉन्टीन्यूस इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स यह आप सोचिए ऑप्शन सी कॉन्टीन्यूस एवोल्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स यानी कि टेक्स्ट बुक्स का कॉन्टीन्यूस इवोल्यूशन होना चाहिए और उसमें डेवलपमेंट लाते रहना चाहिए तो एजुकेशन को अच्छा करने के लिए एक पहला स्टेप हो सकता है बुक्स का एवोल्यूशन करना अमेंडमेंट सिलेबस यानी कि हमेशा सिलेबस में कुछ ना कुछ बदलाव लाते रहें अच्छी चीज़ देखते रहें सिलेबस के ऊपर फोकस करें या सिलेबस के ऊपर फोकस करना अच्छी बात रहेगी या बुक्स के ऊपर या स्टूडेंट्स के ऊपर अगर हमें एजुकेशन का स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करना है रेज करना है तो तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि हमें बुक से इतना कुछ लेना देना नहीं है एजुकेशन का मेन मोटिव होता है स्टूडेंट का ऑलराउंड डेवलपमेंट तो कॉन्टीन्यूस इवोल्यूशन भी स्टूडेंट का होना जरूरी है तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर कॉन्टीन्यूस इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इवन आफ्टर टेलिंग, एक्सप्लेनिंग टाइम एंड अगेन इन द क्लास अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ पॉइंट इन सच सिचुएशन यू वुड अब जैसा कि एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट का कॉन्टीन्यूस इवोल्यूशन करना अगर हमें एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो अब उसके लिए टीचर्स को स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा और इंटरेक्ट करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं तो उन्हीं प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम है कि आप कई बार एक्सप्लेन कर रहे हैं बता रहे हैं उसके बावजूद भी कोई कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे ठीक है क्लास के अंदर एक बच्चा समझ नहीं पा रहा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कॉन्टीन्यूसली आपने कई बार समझा दिया है इवन आफ्टर टेलिंग एक्सप्लनिंग टाइम एंड अगेन इन द क्लास आपने दोबारा समझाने के बावजूद भी स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वह बच्चा कोई बच्चा है वो समझ नहीं पा रहा तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे ये एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए टीचर और स्टूडेंट का इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट का इवोल्यूशन बहुत जरूरी है इंट्रैक्शन के वक्त आने वाली एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आप समझा रहे हैं और बच्चा समझ नहीं पा रहा तो आपको बताना है कि इन ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर से चार ऑप्शन में कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है जो आप एक्स एक्वायर करेंगे एट दिस सिचुएशन इसमें ऑप्शन है रिप्रीमेंड दैट स्टूडेंट एंड शो हिम द वे आउट ऑफ द क्लास यानी कि उसे बोलेंगे भाई कि आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्लास से बाहर जाइए तो ये ऐसा कर देना एक टीचर के लिए सही रहेगा तो ये चीज़ बिल्कुल गलत हो जाती है कि ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता कि आप आउट ऑफ द क्लास कर देंगे स्टूडेंट को ऑप्शन बी डीम हिम इनकॉरिजेबल एंड स्टॉप पेइंग अटेंशन टू हिम यानी कि कोई अगर स्टूडेंट आपकी बात समझ नहीं पा रहा है तो आप उसको अटेंशन देना ही बंद कर देंगे तो ये भी एक अप्रोप्रिएट आंसर अप्रोप्रिएट का ये सीधा गलत है ऐसा नहीं करना है एक अच्छे और आइडियल टीचर को ऑप्शन सी यूज़ अनदर मैथड सोल्यूशन मटेरियल टू एक्सप्लेन द पॉइंट कॉन्सेप्टिम यानी कि जो आप कॉन्सेप्ट आप समझा रहे हैं और वो कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा तो आप कोई दूसरे मेथड से समझाने की कोशिश करें कोई दूसरा एग्जाम्पल लें कुछ और सॉल्यूशन दिखाएं, या कोई और मटेरियल यूज़ करें कि वो बच्चा किसी और तरीके से समझ जाए तो ये एक बेस्ट ऑप्शन लगता है लेकिन जब तक हम ऑप्शन डी को नहीं देख लेते हम ये क्लियरिफाई नहीं करते कि ऑप्शन सी इज़ ए करेक्ट आंसर तो ऑप्शन डी है कॉल हिज पेरेंट्स यानी कि उस बच्चे के पेरेंट्स को बुला लें एंड एडवाइज़ हिम टू लुक फॉर अनादर अरेंजमेंट फॉर द स्टडी ऑफ देयर चाइल्ड एंड वांट यानी कि आप पेरेंट्स को बुला रहे हैं और पेरेंट्स से उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहला टीचर का एक दायरा होता है और उसमें वो अपने लेवल के ऊपर अपने लेवल पे जो सॉल्यूशन निकाल सकता है वो निकालता है तो इतनी छोटी सी चीज़ पर पे आप पेरेंट्स में नहीं जा सकते तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो ए इन करेक्ट आंसर तो ऑप्शन सी इज़ ए बेस्ट सुटेबल आंसर कि आप कोई और सा मेथड यूज़ करेंगे कोई और कुछ और एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे उससे लाइफ कनेक्ट कर पाएंगे और सोल्यूशन यूज़ कर पाए करें कोई दूसरा या मटेरियल यूज़ करें दूसरा कि वो बच्चा समझ जाए तो ये आपका आप, आपकी अप्रोच होगी एज ए टीचर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है सपोज दैट अ पर्सन डज नॉट एग्री विद योर व्यू पॉइंट यानी कि माना कोई एक व्यक्ति है आपके व्यू पॉइंट से एग्री नहीं है इन सच ए सिचुएशन यू वुड यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति है और वो आपके व्यू पॉइंट से एग्री नहीं है कोई व्यक्ति है यहाँ पर देखिए सिचुएशन क्या है कोई स्टूडेंट नहीं है आप उस जगह पे टीचर की भूमिका नहीं निभा रहे हैं एज ए सोशल मैन आप आम इंसान हैं तो उस वक्त कोई और व्यक्ति है जो आपका स्टूडेंट नहीं है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे अगर स्टूडेंट होता तो उस सिचुएशन में आंसर अलग होता अगर स्टूडेंट नहीं है कोई ऐसे आम व्यक्ति है तो आप उस वक्त क्या रिएक्ट करेंगे तो वहां पर ये कंडीशन लगा के सोचना है देखिए कंडीशन ऑप्शन ए ऑप्शन ए क्या है भाई प्रजेंट द रैशनल ऑफ योर व्यू पॉइंट बिफोर हिम यानी कि उसके सामने अपने रैशनल व्यू पॉइंट्स जो हैं वो आप दिखाएंगे बोलेंगे भाई ये मेरे व्यू पॉइंट्स हैं ऑप्शन बी नॉट लाइक टू टॉक टू दैट पर्सन यानी कि आप उस व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करेंगे ठीक है ऑप्शन सी कंसिडर हिम टू बी योर ओपोनेंट और ऑप्शन सी ये भी हो कि आप उस व्यक्ति को अपना ओपोनेंट अपना कॉम्पिटिटर समझें ऑप्शन डी बिहेव विद हिम इन ए रूड मैनर और ऑप्शन डी ये है कि आप उससे रूड मैनर में बात करें तो ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो इन करेक्ट आंसर ऑप्शन सी भी करेक्ट आंसर है क्योंकि कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए किसी से भी लेकर किसी भी चीज़ से लेकर हम देखें तो क्योंकि जो टीचर है एक आइडियल टीचर होता है और उसकी सोच भी हर जगह पर अच्छी सोच होती है सिर्फ स्टूडेंट्स के सामने नहीं सोशल थिंकिंग भी बहुत अच्छी होती है तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा प्रजेंट द रैशनल ऑफ़ योर व्यू पॉइंट बिफोर हिम उसके सामने अपने व्यू पॉइंट्स दिखाएंगे और बस छोड़ देंगे और कुछ नहीं करना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव क्वेश्चन है वाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव इन ऑर्डर टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल यानी एग्जामिनेशन हॉल में कोपिंग प्रैक्टिस जो है वो बच्चों की स्टूडेंट्स की वो ख़त्म हो जाए इस चीज़ को रोकने के लिए स्टॉप करने के लिए आप क्या सजेशन देना पसंद करेंगे ऑप्शन ए ऑल द एग्जामिनीज शुड बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर दे आर थ्रू थोरोली सर्ज ऑप्शन बी दोज हु आर कॉच कॉपिंग यानी कि जो कॉपिंग करते हुए पकड़ा गया शुड नॉट बी एडमिटेड टू एनी स्कूल दे शुड ऑल्सो नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन एनी एग्जामिनेशन तो अगर कोई कॉपी करते हुए मिल जाता है तो उसको ओवर एग्जामिनेशन में बैठे ना दिया जाए स्कूल में एंट्री ना मिले तो ये एक अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता क्योंकि इतना अरेंजमेंट कौन लेके आएगा कि भाई सारे जो हैं वो जाकर क्लास में चेक करें थोरोली और उसके अंदर एंटर रहें एपियर रहें ऑप्शन सी है नेसेसरी इंप्रूवमेंट शुड बी अफेक्टेड इन द एग्जामिनेशन सिस्टम तो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में भाई देखा जाए तो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है हर साल होना है तो नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स होती रहें ज़रूरी इंप्रूवमेंट जितनी ज़रूरी हैं वो होती रहें इतना काफ़ी है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉपिंग एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जैसे कि हम देख सकते हैं कि आजकल जो दिल्ली के स्कूल्स हैं उसमें कैमरे यूज़ किए जा रहे हैं तो ये नेसेसरी छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स हैं जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को और प्योर और अच्छा बनाते हैं ऑप्शन डी जो है वो नहीं होगा ऑल द एग्जामीज शुड बी गिवन अ फ्री हैंड टू कापी डूरिंग एग्जामिनेशन क्योंकि भाई आप फ्री हैंड ज दोगे करो कॉपिंग तो ये एक अच्छी बात नहीं है कुछ छोटी छोटी नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स होना जरूरी है फॉर इम्प्रूविंग द एग्जामेशन सिस्टम ऑप्शन सी इज़ ए करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन है सम स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास कुछ स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में उनकी वीक आई साइड है है वीक आई साइड्स दे आर अनेबल टू क्लियर सी वॉट एवर इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है वो क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं वट इज योर ओपिनियन अबाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके क्या ओपिनियन होगा फॉर रिजॉल्विंग द इशू तो ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पर वैलिड सुटेबल हैं जैसे कि लेट दीज चिल्ड्रन सिट इन द इन फ्रंट ऑफ सीट्स इन द क्लास जो क्लास है उसके सामने बच्चों को बिठा दें कि जब से वो ब्लैक बोर्ड देख पाएँ ये सडन इम्प्रूवमेंट होगी जब वो इसकी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें देख सकते हैं ऑप्शन बी है ऑल द पेरेंट्स गार्जन ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडवाइज़ डैम टू अरेंज स्पेक्टेकल्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव चिल्ड्रन वार्ड्स यानी कि जो Uh, इनके पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स के उनको आप इन्फॉर्म करें कि आपके बच्चे की जो आईसाइट है वो वीक है और उसके लिए इस्पेक्टिकल्स इस का इंतजाम किया जाए तो ये एक अप्रोच है जिसमें आप अपने अपने लेवल पे नहीं कर सकते हो एज़ ए टीचर आपको पेरेंट्स को इंक्लूड करना ही पड़ेगा क्योंकि ये स्टूडेंट uh, की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो उनके पेरेंट्स ही वो कर सकते हैं रिजॉल्व कर सकते हैं और एक और कोई प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि बच्चा बार बार लेट आ रहे हैं तो उस वक्त आप उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप अपने घर से ही लेट भेजते हो या बच्चा बीच में रुक जाता है कहीं और लेट हो जाता है तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स के साथ आपको डिस्कस करनी चाहिए तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप अपने लेवल पे ही सॉल्व करेंगे कुछ छोटी मोटी क्लास की इन द स्कूल जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसके बावजूद उसके अगर नहीं हुई तब आप ओवर अथॉरिटी हायर अथॉरिटी पे जाएंगे ऑप्शन सी है लेट दीज चिल्ड्रन टू गेट देयर आई साइट्स रेक्टिफाइड करेक्टेड थ्रू सुटेबल मैथड्स यानी कि जो भी जिस तरीके से भी वो स्टूडेंट्स अपने आई साइट को रेक्टिफाई कर सकते हैं सही कर सकते हैं वो मैथड का यूज़ करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन जो है इसमें देखो क्या पूछा है इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं जो भी मैं वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन में आ चुके हैं ठीक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहाँ पर आ चुके हैं डी के अंदर सी में बी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के भले वो डी हो बी हो या यू पी हो या जे एम आई जाम इस्लामिया की बी हो एम हो तो वहाँ पर बी के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ये आए हुए क्वेश्चन है ये डी का क्वेश्चन है डी में आया था ये क्वेश्चन विच टीचर इन योर व्यू इज़ द बेस्ट आपके व्यू से कौन सा टीचर सबसे बेस्ट है ऑप्शन ए है द वन हु डील्स विद स्टूडेंट्स ओनली अंडर द गैम ऑफ टीचिंग यानी कि टीचिंग के दौरान ही स्टूडेंट्स के साथ डील करें अदरवाइज कोई मतलब नहीं कौन स्टूडेंट जानते ही नहीं तो ये एक ऑप्शन नहीं होगा ये सिंपल सा सोच के पता चल रहा है कि अगर ऐसा टीचर है जो सिर्फ टीचिंग के दौरान ही बात कर रहे हैं अदरवाइज वो आई डोंट नो मैं नहीं जानता तो ऐसा टीचर कोई अच्छा टीचर नहीं है इसलिए ऑप्शन ए इज़ ए इन करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है द वन हु इज़ विलिंग टू गेट द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन वो जो सबसे ज़्यादा चाहे कि वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को रिलेट कर पाए चिल्ड्रन की लाइफ से तो ये मे बी पॉसिबल कि ये सही हो सकता है ऑप्शन सी तो वन हु इज़ पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स ड्यू टू हिज लव फॉर डिसिप्लिन यानी कि अपने डिसिप्लिन की वजह से उसको बच्चों से प्यार मिलता है और वो बहुत फेमस है वो टीचर जो है वो बहुत बढ़िया टीचर है बेस्ट है आपके हिसाब से तो ये एक कोई इतनी सही बात नहीं है कि कोई टीचर अगर अच्छा है पॉपुलर है अमंग स्टूडेंट्स के बीच में तो वो अच्छा ही टीचर होगा वो बेस्ट टीचर होगा माना बेस्ट टीचर होगा लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो हाइड हैं जो पॉपुलर नहीं है, है नहीं, लेकिन बेस्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं तो मेरे हिसाब से तो जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं जो वेल विशर हैं स्टूडेंट्स के वो बेस्ट टीचर हैं द वन हु इज़ अ वेल विशर ऑफ स्टूडेंट्स तो वेल विशर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ ए करेक्ट आंसर है well well answer, क्योंकि जो वेल विशर हैं वो सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में बच्चों को लेके आएंगे उन बच्चों की लाइफ में जाएंगे और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो इस वेल विशर जो शब्द है इसी से ही सारी चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं ये वाली चीज़ भी डिफाइन हो जाती है कि द वन हु इज़ विलिंग टू गेट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन की लाइफ से जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है वो पाना तो इससे बेस्ट सुटेबल आंसर है ये वाला ऑप्शन डी जो वेल well विशर है वेल विशर शब्द ही बताता है कि ये भी इंफॉर्मेशन आ गई है और साथ में उसके साथ जो एडिट और भी इंफॉर्मेशन है वो भी आ गई है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट थर्टी एट क्वेश्चन नंबर है विच मैथड वुड यू वुड यू डीम सुटेबल फॉर रेक्टिफाइंग दोज स्टूडेंट्स हु इंटरप्ट द टीचिंग प्रोसेस इन द क्लास यानी आपकी क्लास में वो स्टूडेंट्स जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार और इंटरप्ट कर रहे हैं जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तब इंटरप्ट कर रहे हैं रोक दे रहे हैं या बोले जा रहे हैं नहीं मान रहे हैं बात को तो उस वक्त आप क्या करेंगे तो so, इन चारों ऑप्शन में हमें बेस्ट सुटेबल ऑप्शन चूज़ करना है ऑप्शन है दे शुड बी सेंट आउट ऑफ द क्लास क्लास से बाहर निकाल देना दे शुड बी गिवन हार्श पनिशमेंट इन द क्लास इट्स तो हार्श पनिशमेंट जो है इस ऑप्शन को गलत करती है कि कभी भी टीचर को कोई भी सिचुएशन में हार्श पनिशमेंट नहीं देनी है कि उसका कोई फिजिकल डैमेज हो जाए ऑप्शन सी दे शुड बी इग्नोर ऑप्शन सी जो है वो इग्नोर कर देना तो इग्नोर करना भी एक बेस्ट सुटेबल ऑप्शन uh, नहीं है क्योंकि अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो सिर्फ वही क्लास नहीं आ गया इन फ्यूचर में आप जितनी भी क्लासेस लेंगे उसमें भी बच्चा आपको डिस्टर्ब ही करता रहेगा तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा ऑप्शन डी कंप्लेंट शुड बी फाइल अगेंस्ट दैम विद द प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर देना तो जब आप प्रिंसिपल से बच्चे की कंप्लेंट जब आप करते हैं तो साथ में बच्चे की इमेज तो बेकार होती होती है प्रिंसिपल सोचता है कि ये भी टीचर जो है अपने लेवल पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे बाद पे छोटी छोटी चीजों पर मेरे पास आ जाता है तो ये कोई बिग इशू नहीं है तो ये भी ऑप्शन डी भी इज इन करेक्ट आंसर तो यहां पर जो सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर है वो है ऑप्शन ए कि आप उस वक्त के लिए क्लास से बाहर निकाल देंगे बच्चा खुद सीखेगा अगली क्लास okay. में उसे नहीं निकलना होगा तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है द जॉब ऑफ द टीचर इज टू बी जनरेट तो जो टीचर की जॉब है वो क्या होती है टीचर की जॉब क्या जनरेट करने बताती है ऑप्शन ए एफिनिटी फॉर स्टडीज एमंग स्टूडेंट्स ऑप्शन बी कॉन्फिडेंस इन स्टडीज अमंग स्टूडेंट्स ऑप्शन सी अ बिलीव टू स्टडीज अमंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के बीच में बिलीव क्रिएट कर देना ऑप्शन डी अफेक्शन एफिलेशन फॉर स्टडीज अमंग स्टूडेंट्स तो इसका रीजन आप खुद एक्सप्लेन कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अफेक्शन क्रिएट करना जनरेट करना एफिलेशन स्टडीज के लिए जो है प्यार जनरेट करना उसमें लगन उसमें लगाव उससे जुड़ जाना स्टडीज से ये चीज़ क्रिएट करना जो है टीचर का मेन उद्देश्य होना चाहिए जॉब होनी चाहिए तो ऑप्शन डी इज़ थे, ए करेक्ट आंसर और ऑप्शन ए बी सी इन तीनों नहीं है यह करेक्ट आंसर इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन आप कमेंट बॉक्स में देंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी इफ ए स्टूडेंट आस्क एन आउट ऑफ कंटेक्सट क्वेश्चन इन योर क्लास दैन एज ए टीचर यू वुड यानी जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं लेट सपोज आप एस एस टी पढ़ा रहे हैं या साइंस पढ़ा रहे हैं या मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा मैथमेटिक्स की क्लास में साइंस का क्वेश्चन पूछता है या सोशल साइंस का क्वेश्चन पूछता है तो आउट ऑफ द सिलेबस कहें आउट ऑफ द कंटेक्सट कहें वो क्वेश्चन अगर आपसे कोई स्टूडेंट पूछ रहा है तो आप उसका क्या रिस्पॉन्स करेंगे तो ऑप्शन है पनिशम उसको पनिशमेंट देंगे तो ये कोई आंसर नहीं हुआ इग्नोर हिज क्वेश्चन उसके क्वेश्चन को इग्नोर कर देंगे तो इससे आप वो कुछ सीख नहीं पाएगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए नहीं पूछने चाहिए तो वो और क्लासेस में भी ऐसा कर सकता है ऑप्शन सी टेल हिम दैट द क्वेश्चन आउट ऑफ द कंटेंट उससे कहेंगे भाई ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ये आउट ऑफ द कंटेक्सट है कंटेक्सट में नहीं आता ये थोड़ा थोड़ा सही लगता है ऑप्शन डी टेल द स्टूडेंट दैट यू वुड आंसर हिज क्वेश्चन आफ्टर द क्लास आप उससे बोलेंगे भाई कि इसका जवाब आप क्लास के बाद देंगे तो ये क्या सही है ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्लास के बाद दे देंगे तो ये अच्छा एक आंसर हो गया तो अगर इन द कंटेक्स्ट है और आपको नहीं आ रहा है तब आप ये ऑप्शन डी करेक्ट चुन लेंगे कि भाई ऑप्शन डी है इन द कंटेक्सट है मेरे सिलेबस में ये मैं नहीं बता पा रहा हूँ भाई क्लास के बाद बता दूंगा तो ऐसा कर सकते हैं लेकिन आउट ऑफ द कंटेक्सट है और आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप बोलेंगे भाई ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं आउट ऑफ द कंटेक्सट है आप अपने सब्जेक्ट टीचर से जिस सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब्जेक्ट टीचर से जाके बात कीजिए इसका जवाब मैं नहीं दूंगा वो देंगे तो ये एक बेस्ट सुटेबल आंसर होगा टेल हिम दैट दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द कंटेक्स्ट अगर इन द कंटेक्स्ट होता तो हम बोलते भाई मैं क्लास के बाद बताऊँगा तो ऑप्शन डी इस तरीके से यहाँ पर गलत हो जाता है नाव अब बारी आती है आज के क्वेश्चन की टूडेज क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है टूडेज क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है फॉर स्मॉल चिल्ड्रन छोटे बच्चे होते हैं स्मॉल चिल्ड्रन मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी स्पेशली फॉर स्मॉल चिल्ड्रन क्या होनी चाहिए कि जब छोटे बच्चे हों उनको किस मीडियम में पढ़ाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन ए नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए ऑप्शन बी इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए ऑप्शन डी मदर टंग में पढ़ाना चाहिए ऑप्शन डी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए तो अकॉर्डिंग टू यू एज ए टीचर आप क्या सोचते हैं कि छोटे बच्चों को किस मीडियम ऑफ़ एजुकेशन को प्रोवाइड करवाना चाहिए शुरुआत से तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू वेरी मच